बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय कुकिंग फैमिली। और मेरे दोस्तों, मेरे बहन भाई बुजुर्गों, कैसे हैं आप दोस्तों? आज की एक नई सुबह से इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार स्पेशल बनने जा रही है। इसको आप ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं, इसको आप जब कभी आपका दोपहर को रात को दिल करे कि हमने ये ऑमलेट बनाना है। आज मैं बना रहा हूँ चटपटा ऑमलेट, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार। तो इंशाल्लाह आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुज़ुर्गों को बहुत पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह आपने इस रेसिपी को शुरू से एंड तक देखना है, इसको स्किप नहीं करना है। इसके लिए जो जो चीज़ें हैं वो मैंने रेडी कर ली हैं। आज का चटपटा ऑमलेट बनेगा मेरे तरीके का, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे। मैं दो तरह से ऑमलेट बनाऊँगा, चटपटा ऑमलेट, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार। तो आई होप कि अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। अगर आप भी मेरे चैनल पर अभी नए हैं, ठीक है, उससे पहले, रेसिपी से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो दोस्तों एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, इससे आने वाली नई से नई रेसिपी आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। क्लिक नहीं करेंगे, दबाएंगे नहीं ऑन नोटिफिकेशन को, तो फिर कैसे रेसिपी मिलेगी? तो जल्दी करें, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस तरफ है, ठीक है, और बेल आइकन के बटन को ऑन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। कर दिया, शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक्स। अगर नहीं किया तो एक दफ़ा ज़रूर आपने करना है। तो चलिए दोस्तों अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, आज मैं बना रहा हूँ चटपटा ऑमलेट, बहुत ही कमाल की रेसिपी होगी, बहुत ही स्पेशल होगी। ये आप ब्रेकफास्ट भी बना सकते हैं, दोपहर में जब कभी आपका दिल करे, चाहे रात को दिल करे, आप इस तरीके का, ये देखें, चटपटा ऑमलेट बना सकते हैं। इसके लिए दो अदरक, एक ओनियन अच्छे तरीके से आपने लंबा लंबा काट लेना है, ठीक है, दो हरी मिर्चें ले लेनी है और धनिया थोड़ा सा ले लेना है, ठीक है। दो अदरक का ऑमलेट बनेगा दोस्तों, बहुत ही कमाल का, चटपटा, मज़ेदार। इसके लिए घर के मसाले होंगे, ठीक है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मसाला, ये देखे ना, हाफ टी स्पून दादर मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी जाएगी और हाफ टी स्पून नमक जाएगा। ये आप देख रहे हैं, हाफ टी स्पून नमक जाएगा। जायके के, अपने जायके के मुताबिक आप नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये चार चीज़ों से, चार मसालों से हम अपना बहुत ही कमाल का ऑमलेट बनाएंगे। इसमें दोस्तों थोड़ा सा हम चिली सॉस, सोया सॉस भी डालेंगे दोस्तों, तो फिर क्या मज़ा आएगा, चटपटा ऑमलेट हमारा स्पेशल वीआईपी बनेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है मेरे तरीके से, तो बहुत ही भरपूर मज़ा आएगा। इसके लिए दोस्तों ये देखें, मैंने एक बॉल ले लिया, ठीक है, इसमें मैंने मैदे के एक से दो चम्मच डाले हैं, ठीक है। आपने मैदा या आटा ले लेना है, इसमें दो चम्मच डाल लेने हैं, ठीक है। तो चलें दोस्तों अपने रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं बिस्मिल्लाह करके। सबसे पहले तो हम ये देखें, ये जितना मसाला है, ये वाला, ये देखें, ये मैदे में हम ये जितना मसाला है, ये वाला सारा, ठीक है, ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, धनिया डाल देंगे थोड़ा सा, ये देखें, धनिया थोड़ा सा गार्निश करने के लिए रखेंगे, ठीक है, ऊपर, ये देखें, ऑमलेट पर लगाने के लिए, ठीक है। तो इसके साथ साथ दोस्तों ये देखें, ये दो अदरक है, ये देखें, इसको तोड़ेंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अपना ये नैफ, छुरी को पकड़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ऑमलेट बनता है। आप जब बनाएंगे तो आपने मेरे तरीके से ट्राई ज़रूर करना है, इसको इग्नोर नहीं करना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आपको भरपूर पसंद आएगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये सारे मसाले हैं, ये सारे मसालों को हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों, ये चिली सॉस, सोया सॉस, ये थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों ये सिर्फ जायके के लिए, क्योंकि ये बहुत ही चटपटा और चटखारेदार हमारा ऑमलेट बनेगा। ये देखें सारे मसाले हमने डाल लिए हैं, अब हम इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसमें मैदे के दो से तीन चम्मच डालने हैं, इतना कोई मसला नहीं है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे मसालों को। माशाल्लाह दोस्तों मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और सिर्फ इसको एक से दो मिनट के लिए मसाला लगा के हम रखेंगे और हम अपना जो होगा ना, ये देखें ऑमलेट, चटपटा ऑमलेट,
बहुत ही कमाल का, मैं कहता हूँ वीआईपी हमारा तैयार होगा। तो दोस्तों अब हम इसको ये देखें मिक्स कर लिया, इसको 1 से 2 मिनट के लिए रखेंगे, मसाला अच्छे तरीके से इसको लग जाएगा, फिर इसको हम इसको फ्राई करेंगे, इसको पकाएंगे। जी दोस्तों हमारा ये चटपटा ऑमलेट बहुत ही कमाल का वीआईपी, मैं कहता हूँ बहुत ही खुशबू आ रही है मसालों की। और आपने भी इसी तरीके से मसाले को मिक्स करके इसको 2 से 3 मिनट रखना है, और जब मसाला इसको अच्छे तरीके से लग जाएगा फिर आपने इसको फ्राई करना है, फिर इसको आपने पकाना है, ठीक है। तो चलें दोस्तों इस तरह मैं बिस्मिल्लाह करके ये रखता हूँ अपनी कढ़ाई, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, घी को अच्छे तरीके से हम फैला लेंगे। आपके पास घी है तो ठीक है, नहीं ऑयल भी डाल सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से फैला लेना दोस्तों, और थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे। फिर हम अपना ये देखिए सारा जो मसाला होगा ऑमलेट वाला, चटपटा ऑमलेट का वीआईपी हमारा, ठीक है, इसमें सारा डाल देंगे। ये दोस्तों उन दोस्तों के लिए गिफ्ट है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मुझे वॉच कर रहे हैं स्पेशल। तो दोस्तों आज की रेसिपी आपने ज़रूर मेरे तरीके से ट्राई करनी है, बहुत ही स्पेशल मज़ेदार हमारा ऑमलेट बनेगा। तो दोस्तों ये तो ये हमारा घी गरम हो गया, अब बिस्मिल्लाह करके हम देखें इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखें माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों इसको अच्छे तरीके से बर्तन को साफ कर लेंगे। स्पैचला आप हाथ में रखा करें, स्पैचले से ये होता है कि अच्छे तरीके से बर्तन साफ हो जाता है। अब दोस्तों इसको ये देखें एक तरफ अच्छे तरीके से पका कर, ठीक है, तो इसकी साइड को चेंज करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा हम घी को और लेंगे, ये देखें साइडों से आप ये देखें इस तरह करके ना, ये देखें आप इस तरीके से डाल देना है, और इसको ऊपर से थोड़ा सा दबा देंगे, फैला देंगे इसको। तो दोस्तों ये बहुत ही चटपटा ऑमलेट आपको मज़ेदार मैं कहता हूँ मिलेगा। तो दोस्तों आपने मेरे सारी रेसिपीज मेरे चैनल पर देखनी है, बहुत बहुत अच्छी रेसिपीज बन रही हैं, बहुत बहुत कमाल के खाने बन रहे हैं, बहुत ही आसान। तो दोस्तों आप मुझे सपोर्ट किया करें, आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, इसको इग्नोर नहीं करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जाते जाते मेरे एक दफ़ा सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ये एक आप दोस्तों का प्यार है, आपकी तरफ से भाई के लिए इनाम है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ये आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसको अच्छे तरीके से एक साइड को पकाएंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही कमाल का, इसको सेंटर से ये देखें ऐसे करेंगे, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार हमारा, ये देखें इसको ऐसे काटेंगे, इसको साइड चेंज करेंगे, ओ वाह दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब दोस्तों क्या करेंगे ये देखें, अब हमने पका लिया, अब हम इसको ऐसे करके मिक्स करेंगे, इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा पकाएंगे। आपने मेरे ऑमलेट की पहले भी रेसिपीज देखी हुई हैं, ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं, ये भी देखें और ट्राई करें बनाएं जल्दी से। तो आज आपने मुझे बताना है कि आज का ये स्पेशल ऑमलेट आप दोस्तों को कैसा लगा है। जो दोस्त नहीं ना बना सकते सुबह के नाश्ते के लिए ब्रेकफास्ट के लिए, तो दोस्तों ये आप ज़रूर बनाएं, आपको भरपूर मज़ा आएगा। दोस्तों क्या बात है, प्याज की ऐसे याद मज़ा आ जाता, मुंह में पानी आने लग गया प्याज ऐसे देख कर ना, बहुत ही टेस्टी दोस्तों ये हमारा ऑमलेट बनता है। इसको अच्छे तरीके से इसी तरीके से हम मिक्स करेंगे, आंच को हम लाइट ही रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने लाइट आंच पे ये ऑमलेट को बनाना है। तो दोस्तों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबूदार हमारा वीआईपी ऑमलेट चटपटा ऑमलेट हमारा स्पेशल तैयार है नाश्ते के लिए। दोस्तों मेरा दिल कर रहा है कि अभी अभी मैं गरम गरम रोटी या स्लाइस के साथ ब्रेड के साथ मैं इसको खाऊं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि अगर आज का ये चटपटा ऑमलेट आप दोस्तों को पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वीआईपी चटपटा ऑमलेट बनकर तैयार है, ये आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, रेस्टोरेंट से भी अच्छा मैं कहता हूँ बाहर से बहुत अच्छा, आप घर में वीआईपी चटपटा ऑमलेट बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि अगर आज की रेसिपी आप दोस्तों को बहन भाइयों को बुजुर्गों को पसंद आई हो तो दोस्तों इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप प्याज को ओनियन को देख रहे हैं मैंने लंबा लंबा खड़ा खड़ा इस तरीके से रखा है, तो दोस्तों आपने भी इस तरीके का ही ऑमलेट बनाना है।
प्याज को ओनियन को आपने इस तरीके से काटना है। देखें दोस्तों क्या बात है, मजा आ गया, खुशबूदार हमारा चटपटा ऑमलेट बनकर तैयार है। तो दोस्तों आई होप कि अगर आज की रेसिपी आप दोस्तों को बहन भाइयों को बुजुर्गों को लगता है कि भाई ने बहुत ही अच्छी सिखाई है, तो दोस्तों इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इसको इग्नोर नहीं करना, आप दोस्तों ने मुझे जरूर सपोर्ट करना है, इसको आपने जरूर याद रखना है। आप अगर मेरे चैनल पर नए होते हैं तो दोस्तों एक दफ़ा मेरे चैनल को जरूर एक दफ़ा सब्सक्राइब करके आगे जाया करें, ऐसे ना जाया करें, एक आप दोस्तों का प्यार है, आपकी तरफ से भाई के लिए इनाम है। चाहे आप कहीं बैठे हुए, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और हर आफत से बचा के रखे हम सबको, और आप मुझे अपने दुआ में याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे, नेक्स्ट रेसिपी पे मुलाकात होगी। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर मेरे तरीके से ट्राई करें, अपने फैमिलीज को, बच्चों को, बड़ों को, अपने मेहमानों को, जब कभी मेहमान आए थे उसको बना कर खिलाएँ, उनको बना कर खिलाएँ, तो इंशाल्लाह वो आपसे इस रेसिपी का ज़रूर पूछेंगे कि ये रेसिपी कैसे बनाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में किसी खास रेसिपी में, अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। आज का चटपटा ऑमलेट VIP बहुत ही टेस्टी न्यू तरीके का बनाकर मैंने आपको सिखाया है, तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इग्नोर नहीं करना, आपने इसको जरूर फॉलो करना है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में किसी खास रेसिपी में, गर्मा गर्म ऑमलेट बनाकर खाएं, ये ठंडा और मैं भी खाने के लिए तैयार हूँ, मुझे भूख लगी है देखकर। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में किसी खास रेसिपी में, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जाते जाते यार मुझे तो याद नहीं, जाते जाते मेरे चैनल को जरूर आपने भी सब ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब तो लाजमी है, और बेल आइकन के बटन को जरूर आपने ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, इससे नेक्स्ट रेसिपी आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर भी करें और जाते जाते लाइक भी करें। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।